हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल स्किल लर्निंग। आपका मेरे चैनल स्किल लर्निंग पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको कंपोजिट मैथ क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक्सरसाइज 10B का है, कराऊंगी। इस क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हमने पहले ही बता चुकी हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपकी समझ में ये क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि अगर आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी इस वीडियो की मदद से क्वेश्चन को समझने में मदद मिल सके। चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इसका, और 10A मैंने पूरी करा दी है। अब ये 10B का क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, नवीन साइकिल्स टू हिज स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। नवीन अपने स्कूल 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, और इट टेक्स 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे 20 मिनट लगते हैं अपने स्कूल पहुंचने में। इफ़ ही वांट्स टू रीच हिज स्कूल इन 15 मिनट, अगर वो चाहता है कि वो अपने स्कूल 15 मिनट्स में पहुंच जाए तो उसे किस स्पीड से जाना पड़ेगा। देखिए, आप सपोज़ कीजिए आप अपने स्कूल जा रहे हैं, आपने एक रिक्शा किया जो कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो आप उस रिक्शे की हेल्प से 20 मिनट में अपने स्कूल पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आपको आज आप लेट हो गए और आपको आज जल्दी स्कूल पहुंचना है, तो आप कुछ ऐसा व्हीकल करेंगे कि जो आपको 15 मिनट में पहुंचा दे। तो सपोज़ तो ये रियल सी बात है कि उस व्हीकल की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो आप जल्दी पहुँचेंगे। अगर किसी व्हीकल की स्पीड कम है तो आप देर से पहुँचेंगे अपने स्कूल, और अगर उस व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है तो आप बहुत जल्दी स्कूल पहुँच जाएंगे। तो बस यही है, स्पीड और टाइम के बिटवीन यहाँ पे जो भी है, स्पीड और टाइम के बिटवीन ही है स्पीड। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में बात हो रही है, स्पीड के बारे में और टाइम के बारे में बात हो रही है। ये रहा हमारा टाइम, 20 मिनट्स, ठीक है। तो वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच जाता है तो 20 मिनट में पहुंच जाता है, तो वह कितनी स्पीड से जाएगा कि 15 मिनट में पहुंचेगा, यानी कि स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ने पर वो जल्दी पहुंचेगा, स्पीड बढ़ी और टाइम घटा, ठीक है। 12 किलोमीटर की से वो 20 मिनट में पहुंच रहा है, तो 15 मिनट में पहुँचने के लिए उसे कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा, स्पीड बड़ी और टाइम कम हुआ। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, स्पीड बड़ी और टाइम कम हुआ। अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो आप कम टाइम में पहुँच जाएंगे। अब चलिए, मैंने आपको वही बताया था, ये उल्टा काम हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है और टाइम कम हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये हमने पहचान लिया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, अब हमें करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने आपको बताया था हम हमेशा टेल से हेड की तरफ चलते हैं, ये रही हमारी टेल और ये रहा हमारा हेड, हम टेल से चलेंगे हेड की तरफ। तो सबसे पहले टेल पे 12 है, 12 लिख दिया, हेड दोनों के बिटवीन रेशियो लगा दिया, फिर यहाँ पे देखिए टेल नीचे है तो टेल से हेड फिर जाएंगे, अब दोनों के बिटवीन डबल रेशियो यानी कि प्रोपोर्शन लगाएंगे। प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे इक्वालिटी का शो करता है कि, अब आगे देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमी, मीन का प्रोडक्ट एक्सट्रीमी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मीन का प्रोडक्ट क्या होगा 15 × x और एक्सट्रीमी 12 × 20, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इक्वल का साइन, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए, तो ये जब ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आके ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे डिवाइड में, और ये 20 × 12 / 15, ठीक है। और ये देखिए, ये 12 है, 15 है,
ट्वेल्व हमारा थ्री की टेबल में आता है, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन और फाइव फोर जा ट्वेंटी, तो फोर नीचे तो कुछ नहीं रह गया, अब ऊपर क्या रह गया, फोर और फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, तो वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो वो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द टाइम नीडेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह में लगने वाला टाइम उसकी स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, ठीक है। यानी कि अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो स्पीड कम होगी, और अगर स्पीड ज़्यादा लेंगे तो टाइम होगा कम, ठीक है। अगर टाइम ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, और स्पीड ज़्यादा लेंगे तो टाइम होगा कम। तो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो टाइम और स्पीड है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, मतलब अपोजिट है। अ पर्सन ट्रैवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर, एक इंसान है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, देहरादून से वो लखनऊ जा रहा है, ये रहा हमारा देहरादून और ये रहा लखनऊ, ठीक है। और वो 10 घंटे में पहुंच जाता है, ठीक है। एक इंसान जब देहरादून से लखनऊ जाता है और अगर वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 10 घंटे में पहुंच जाता है, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द पर्सन ट्रेवल टू मेक द ट्रिप इन 9 आवर, तो अगर वही पर्सन देहरादून से लखनऊ जाना चाहे 9 घंटे में, 9 आवर में, तो उसे किस स्पीड से चलना चाहिए। मतलब अब पहले वो 10 घंटे में जा रहा था 72 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो 9 घंटे में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा स्पीड से जाएगा। मतलब अगर टाइम कम, अगर उसे कम टाइम में पहुंचना है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी वो जा पाएगा। कम टाइम में अगर उसे कहीं जाना है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। अब देखिए हमें वही टेल से, पहले तो इसको सिक्वेंस लिखिए आप, टाइम और स्पीड है 10 घंटे में, 10 घंटे में अगर वो लखनऊ पहुंचता है तो वो 72 किलोमीटर की स्पीड से चलना है, तो 9 घंटे में लखनऊ पहुंचने के लिए उसे कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा हमें यहाँ पे फाइंड करना है। टेल से हेड की तरह बढ़ेंगे, 10:9, 10:9 दोनों के बीच में कुछ नहीं है, दोनों इक्वल हैं, तो ये रेशियो का साइन, प्रोपोर्शन का साइन आ गया। यहाँ पे भी टेल से हेड की तरफ जाएंगे, एक्स रेशियो 22:72, ठीक है। अब देखिए 9 और x का मल्टीप्लाई करने पर 9x आ रहा है, और 10 और 72 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है हमारा, 10 मल्टीप्लाई 72। अब 9 यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में है, और 9 है डिवाइड में आ जाएगा, 9 8 जा 72 और 8 10 जा 80, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, अगर वो यहाँ पे आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो 9 घंटे में पहुँच जाएगा, और अगर वो 72 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो वो 10 घंटे में पहुंचेगा। यानी कि अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाता है तो वो कम समय में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, 28 पंप्स कैन एम्प्टी या रिजर्वर्स इन 18 आवर, इन हाउ मैनी आवर्स 42 सच पंप्स डू द सेम वर्क। यहाँ पे बात हो रही है पंप्स हैं, 28 पंप्स किसी भी टैंक को 18 घंटे में खाली कर देती हैं, अगर 28 पंप्स हम एक साथ खोलें तो, ठीक है। तो 42 पंप्स किसी टैंक को कितने घंटे में खाली करेंगी, 28 पंप्स खाली करने में 18 आवर लगा रही हैं, तो सीधी सी बात है 42 पंप्स कम ही लगाएंगी, ठीक है। जब 28 पंप्स 18 घंटे में खाली कर रही हैं, ये तो कम है, तो ये 18 घंटे लगा रही हैं, अगर हम पंप ज़्यादा ले लें 42 ले लें तो ये ऑब्वियसली कम टाइम में लगा देंगी। तो पंप्स हैं और आवर्स हैं, 28 पंप्स 18 घंटे में खाली कर रही हैं, तो 42 पंप्स पता नहीं कितने घंटे में खाली करेंगे, तो हमने यहाँ एक्स मान लिया,
भैया हमें पता चल गया उल्टा हो रहा है, 28 पंप्स 42 घंटे में खाली कर रही है, सॉरी 28 पंप्स से बढ़कर 42 पंप्स हो रहा है, और यहाँ पे कुछ पता नहीं, तो यहाँ हमने एक्स मान लिया और यहाँ 18 है, यानी कि 28 पंप्स 18 घंटे में खाली कर रही हैं, तो 42 पंप्स कम ही घंटे में खाली करेंगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। इसमें पंप्स की संख्या बढ़ रही है, तो घंटे पंप्स की संख्या बढ़ने पर हमारा जो घंटे हैं वो कम हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो हमने वही रेशियो में लिख लिया, 28:42 और x:18, 42 और x का मल्टीप्लाई करके 42x आ गया, 28 और 18 का मल्टीप्लाई करके 28 मल्टीप्लाई बाई 18, यहाँ 42 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया। यहाँ देखिए 42 और ये 18 और ये 28, इसको सॉल्व कीजिए आप, 28 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन 42, देखिए ये 7 के टेबल में आ रहा है, 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, ठीक है। तो हमारा कितना आया, 12। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 12। तो अगर 28 पम्प्स किसी रिजर्वर को 18 आवर में खाली कर रही है, तो अगर हम पम्प्स के नंबर बढ़ा दें, यानी कि 42 पम्प्स उसी रिजर्वर को 12 आवर में, मतलब बहुत कम टाइम में खाली कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 12 आवर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आ स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स इज इनफ फॉर 400% फॉर 9 डेज। देखिए आपने स्टॉक कर रखा है फूड का, आपने फूड का स्टॉक कर रखा है ये, ठीक है। ये जो स्टॉक है ये 400 आदमियों के लिए 9 दिन का खाना है, कितने दिन का, 9 डेज का, मतलब 400 आदमी इस खाने को 9 दिन में खा लेते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 300%। 400% किसी खाने को 9 दिन में खाते हैं, तो 300% उसी खाने को कितने दिन में खाएंगे। तो यानी कि अगर पर्सन के नंबर कम हो रहे हैं, यानी कि 400 से 300 लोग हो गए, कम हो गए, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा दिन खाना चलाएंगे। यहाँ देखिए इसको एक तरीके से देखिए, यहाँ समझिए आप इसका कॉन्सेप्ट। देखिए दो लड़के हैं, राम और मोहन, ये 4 रोटी हैं, 1 2 3 4, या 4 ब्रेड हैं, इन 4 ब्रेड को ये लोग 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, यानी कि राम रोज एक ब्रेड खाता है, मोहन एक ब्रेड खाता है पहले दिन का खाना, और दूसरे दिन का खाना राम ने एक ब्रेड खाया, मोहन ने एक ब्रेड खाया, यानी कि पहले दिन 2 ब्रेड खाए और दूसरे दिन भी 2 ब्रेड खाए, तो टोटल 4 ब्रेड 2 डेज में ख़त्म हो गए। अब मोहन चला गया अपने घर, ठीक है, अब सिर्फ राम रह गया, और भाई 4 ब्रेड राम कैसे खाएगा, राम ने पहले दिन 1 ब्रेड खाया, दूसरे दिन 1 ब्रेड खाया, तीसरे दिन 1 ब्रेड खाया, चौथे दिन 1 ब्रेड खाया, क्योंकि वो तो एक ही ब्रेड खा सकता है, उसको 1 ब्रेड की भूख लगती है, तो मतलब उसने अपना खाना कितने दिन चला लिया, 1 2 3 4, उसने अपना खाना 4 दिन चला लिया, यानी कि अगर जो नंबर ऑफ मैंस थे वो कम हो गए तो खाना 4 दिन चल गया, पहले 2 दिन चल रहा था बस, अब 4 दिन चलने लगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे ट्रिक यूज होगी, पहले नंबर ऑफ मैन कितने थे, 400 थे, 400 से 300 रह गए, 400 मैन 9 डेज में अपना खाना खा लेते थे, तो 300 मैन उसी खाने को कितने दिन में खाएंगे, एक्स डेज में खाएंगे, मतलब ज़्यादा ही दिन में ख़त्म करेंगे। तो हमें बस इसका रेशियो बना के लिखना है, फोर मैन के नंबर कम हुए और दिन के नंबर बढ़े, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो लिखिए, 300 और 400 का रेशियो, और यहाँ 9 और x का रेशियो, मैंने यहाँ उल्टा करके लिख दिया, आप इसे टेल टू हेड वाली, जो टेल टू हेड वाला जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उस ट्रिक से ही करना, पहले 300:400 और 9:x, तो आपका यही आंसर आएगा जो अभी आ रहा है। तो 400:300 और x:9, मैंने जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया मैंने, तो एक्स की वैल्यू आ गई 400 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 300, 0 से 0 गया, 3 3 जै 9, 4 3 जै 12, तो यानी कि
300 मैन उसी खाने को 12 डेज में खाएंगे। 400 मैन किसी खाने को 9 डेज में खा रहे थे, तो अगर कुछ मैन चले जाते हैं तो 300 मैन रह जाते हैं, तो वो उस खाने को 12 डेज में ख़त्म करेंगे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और जो अगले क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। आ कॉन्ट्रैक्टर हु हैड अ वर्क फोर्स ऑफ 630 पर्संस। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास 630 पर्सन है जो कि उसके अंडर काम करते हैं। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, एक स्टेडियम का एक पोर्शन बना रहे हैं, उन्हें उस पोर्शन को 14 मंथ्स में ख़त्म करना है। यानी कि 630 पर्संस को किसी स्टेडियम का एक पोर्शन बनाने में 14 मंथ्स लगेंगे। ही वॉज ऑक्स टू कम्प्लीट द जॉब इन 9 मंथ। उससे कोई आके कहता है कि आप प्लीज़ अपना काम जल्दी ख़त्म कीजिए, आप 9 मंथ के अंदर अपना पूरा काम, तो इसलिए उसे ज़्यादा आदमी रखने पड़ेंगे। पहले 630 आदमी थे, 630 आदमी थे, वो तो 14 डेज में 14 मंथ्स में अपना काम कर लेते थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता था वो 14 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन अब उसी कॉन्ट्रैक्ट को 9 मंथ में कंप्लीट करना है, तो उसे आदमी ज़्यादा चाहिए होंगे तभी वो कर पाएगा उस काम को। तो यानी कि अगर उसे आदमी ज़्यादा मिलेंगे तो उसका काम जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी कि मंथ्स के नंबर कम होंगे और आदमी ज़्यादा मिलेंगे, या आदमी ज़्यादा मिलने पर वो किसी काम को कम डेज में या कम मंथ्स में कर पाएगा। नए मंथ के नंबर कम हुए और आदमी के नंबर बढ़ गए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, मंथ्स के नंबर, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मंथ्स के नंबर कम हुए, यानी कि 14 मंथ से 9 मंथ्स में किसी काम को करने के लिए उसे आदमी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो उसे 630 से बढ़ा के आदमी करने पड़ेंगे। तो दोनों अपोजिट आ रहे हैं, मंथ तो कम हो रहे हैं बट आदमी बढ़ रहे हैं। पहले मंथ ज़्यादा थे और आदमी कम थे, दोनों अपोजिट कंडीशन है। तो ये अपोजिट कंडीशन में हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है, हम यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगाएंगे। देखिए 630 का रेशियो निकालेंगे हम एक्स से, हमें वही प्रोसेस अपनाना है, टेल टू हेड वाला, तो हम टेल से हेड की तरफ चलेंगे। तो 630 रेशियो एक्स, और दोनों के बिटवीन कुछ नहीं है तो डबल रेशियो, और 9 रेशियो 14। ठीक है, टेल टू हेड वाला प्रोसेस हमें हमेशा अपनाना है। ये प्रोसेस डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हमेशा ही ठीक रहता है, और इससे आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। 630 रेशियो एक्स डबल रेशियो या प्रोपोर्शन 9 रेशियो 14। अब देखिए एक्स और 9 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज के फॉर्मूले से। तो 9 और एक्स का मल्टीप्लाई करके 9x और 630 और 14 का मल्टीप्लाई होगा। अब यह 9 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 9 7 जा 63 होते हैं, 9 की टेबल में 7 टाइम 63 आता है और 0 का 0, और 14 7 जा 98 होते हैं और 0 का 0। तो अगर हम पर्संस के नंबर एक्स मतलब 980 कर दें तो हम उस काम को 9 मंथ्स में कंप्लीट कर लेंगे। पहले अगर पर्सन के नंबर 630 थे तो हम उसे 14 मंथ्स में कर पा रहे थे, अब अगर हम 980 पर्सन ले आएँ तो हम उस काम को 9 मंथ्स में कंप्लीट कर देंगे, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो मिल सके। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और जो इसके बाद के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने इस वीडियो में कंप्लीट ले लिया है, और 9 क्वेश्चन से मैं आपको, ये 8 तक ही था, 9 क्वेश्चन से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन लिए, 4 5 6 7 8। अब 9 क्वेश्चन से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, 9 10 और 11 जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में लूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जिससे कि आपको जो मेरी आगे आने वाली वीडियो है उनका, उनके बारे में पता लग सके। और बेल आइकन को क्लिक करेंगे आपको तभी उन वीडियोज़ के बारे में पता चलेगा। मैं सारी वीडियोस लाइन वाइज डाल रही हूँ, और मैंने मैथ की एक और क्लास शुरू की है जिसमें मैं बेसिक से जो है मैथ वो पढ़ाऊँगी। उसमें मैंने अभी फ़िलहाल तो पोर्शन ज्योमेट्री का लिया हुआ है, मैंने आपको उस पोर्शन में रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर क्यूब क्यूब क्यूबॉइड और जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, उन सबको ले लिया है। अभी वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे और बेसिक जो चीज़ें हैं उनसे आपको अवगत कराऊँगी, आइडेंटिफाई कराऊँगी।
तो आप प्लीज़ जो मेरी बेसिक जो मैथ की वीडियो है आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया आपका मेरे चैनल देखने के लिए।